आई एम वैभव शर्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बायर्स ढूंढने में लोग 99% लोग एक गलती करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। वो गलती क्या है? बायर ढूंढने से पहले वो भूल जाते हैं कि उनका मार्केट कौन सा है, उनका टारगेट मार्केट कौन सा है। दुनिया में तो 200 कंट्री है और सब जगह पर ट्रेड हो रहा है। आपका जो प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको बायर ढूंढना है, वो प्रोडक्ट कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से टॉप के 5 कंट्री है या 10 कंट्री है जहां पे वो जा रहा है, वहीं पे आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप 100 कंट्री में या 50 कंट्री में बायर ढूंढने निकलोगे या किसी भी कंट्री में रैंडमली बायर ढूंढना चाहोगे तो आपको काम का बायर नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो वो फेक होगा। 99% लोग यही गलती कर रहे हैं। सबसे पहले अपना टारगेट मार्केट फाइनल करो कि कौन से टॉप के 5 कंट्री हैं जहां पे आपको बायर्स ढूंढने हैं। एक बार वो फाइनल हो गया, फिर वहीं पे आपको बायर फाइंड करने हैं। तो पहला तो टॉपिक मैंने आपको बताया कि पहले टारगेट मार्केट पर फोकस करो, फिर बायर ढूंढना चालू करो। अब दूसरा टॉपिक है कि बायर ढूंढना कैसे है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बट पहले मैं आपको बताऊं कि बायर ढूंढना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो जितने भी पोर्टल होते हैं वो सारे पेड होते हैं और उसका बहुत सारा पैसा अपने को देना पड़ता है। अलीबाबा का करीब 1.25 लाख रुपए का पैकेज है साल का, फिर वो रिन्यू करना पड़ता है। ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, इन सब लोगों के भी 30-40 thousand पर मंथ के पैकेजेस हैं, पर एनम के पैकेजेस हैं। इसके अलावा ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, कनेक्ट टू इंडिया है, इनके भी पैकेजेस साल के करीब 40-50 हज़ार रुपये के पैकेज होते हैं। तो ये सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगी अगर आपको ये सब टेक्निक्स पता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहले आपने टारगेट मार्केट फाइनल कर लिया कि कहाँ पे आपको बायर्स चाहिए। अब वो टारगेट मार्केट में आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। वहां के जितने भी B2B पोर्टल है वहां पे आपको अपना लिस्टिंग करना है, अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का। उसमें आपका पूरा डिटेल आ जाना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, वो सब उसमें होना चाहिए। नंबर जो व्हाट्सएप पे चालू हो वही आपको देना है, मेल आईडी जो चालू हो वही वहां पे आपको रखना है, कोई पुराना नंबर या पुराना मेल आईडी यूज मत कीजिए। उसके बाद उन कंट्रीज में जो आपके टारगेट कंट्रीज हैं वहां पे जो एसोसिएशन हैं उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हो, वहां की जो एसोसिएशन हैं, वहां की जो गवर्नमेंट बॉडीज है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनकी लिस्ट निकालिए। ऑनलाइन जाके आपको उनकी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहां पे इंक्वायरी डालिए, वहां पे उन लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए और वहां से लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें बायर्स की लिस्ट चाहिए, हम आपके कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और दिस इज अवर प्रोडक्ट। तीसरा, जो एक्सपो एग्जीबिशंस होते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जिसमें आप काम कर रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है, वो एक्सपो एग्जीबिशंस में जाने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। अगर हो सके तो जाइए, उनको विजिट कीजिए। अगर 1% नहीं जा पाते किसी वजह से, टाइम नहीं है या अभी उतना बजट नहीं लेना है, तो मैं आपको एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ जिसमें आपको बहुत सारा पैसा सेव होगा और टाइम भी सेव होगा। आप एक्सपो एग्जीबिशंस के जो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वहां पे जाइए और वहां जाके उनके जो एग्जीबिटर्स हैं उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। ऑनलाइन ये सब आपको मिल जाएगा। एक बार आपने उनकी लिस्ट निकाल ली, उसमें आपके काम के बहुत सारे बायर्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, जो जेन्युइन होंगे, उनका पूरा डेटा उसमें दिया होगा। ये सब चीजें बहुत एक्सपीरियंस के बाद हम लोग सिखाते हैं लोगों को। हमारा जो एक प्रोग्राम चलता है 6 वीक का, उसमें भी हम बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि भाई कौन कौन से तरीके से आपको बायर्स मिलने ही वाला है। वो तरीके अगर आप फॉलो करोगे, हम करीब 10 से 12 तरीके सिखाते हैं ऐसे जिससे आपको जेन्युइन बायर्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा भी आपको उसके लिए खर्च नहीं करना है, वो हमारे प्रोग्राम का ही पार्ट है। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि बायर्स ढूंढने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। गलत मार्केट में ढूंढोगे, गलत इंडस्ट्री में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फेक होगा। तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, लिंक्डइन पे ग्रुप्स बने हुए हैं, लिंक्डइन ज्वाइन कीजिए। लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं होता है बहुत सारे लोगों का, फेसबुक सबको पता है, लिंक्डइन सबको नहीं पता है। लिंक्डइन पे जाइए, 90% वहां पे ट्रेड का मटेरियल मिलेगा आपको और 10% हार्डली वहां पे सोशल होता है। फेसबुक पे 90% सोशल है, 10% ट्रेड है ओनली। तो फेसबुक को बाजू में रखिए, लिंक्डइन पे आइए। लिंक्डइन पे आपको बहुत सारा काम का आपका लिंक, डेटा, नेटवर्क आपको मिलेगा। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है ये नेटवर्क का बिजनेस है। आप जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और सेफ रहेगा। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जरा सा भी इंटरेस्ट है, करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए। हमारा पूरा एक नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। 40 साल से लगभग हम लोग मार्केट में हैं। 1,000 करोड़ का हमारा कार्गो हैंडल होता है एवरी ईयर। सिंटेक्स, रिलायंस, अडानी, इतने बड़े बड़े क्लाइंट हमारे पास हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनके लिए हम लोग CHA का काम करते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए।
और हम आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कि कैसे आप अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में सेटअप कर सकते हो। अब दूसरा टॉपिक आता है बायर्स तो मिल गए, अब उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायर्स मिल गया, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको फॉलोअप कैसे करना है, उसको फाइनल कैसे करना है काम करने के लिए। अब बायर कहेगा भाई आपको मैं जानता नहीं हूँ, आप फर्स्ट टाइम मुझे इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप अपना प्रोफाइल बताओ, अपने बारे में बताओ। वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप बायर्स का लिस्ट निकाल पाए हो जो तरीके मैंने आपको बताए, उसके बाद आपको वो डेटा पे वो लिस्ट पे काम करना है। वो कैसे होगा, पहले उनका पूरा डेटा निकालिए, उनका पूरा लिस्ट बनाइए, उनका मेल आईडी, उनके फोन नंबर्स, और उनको कॉन्टेक्ट करना चालू कीजिए। एक मेल डालिए, अपना पूरा ब्रीफ प्रोफाइल उस पर डालिए, ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, अपना वेबसाइट का लिंक दे देंगे तो चलेगा। डिटेल में आपका प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट में आप काम करते हैं, आप इंडिया के कौन सी जगह पर बैठे हैं, वो पूरा एड्रेस डिटेल्स आपका आ जाए, आपकी कंपनी का विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो इस क्षेत्र में, आपका जो योगदान है वो क्या रहा है, अभी तक आपने कौन कौन से अचीवमेंट किए हैं, आपकी क्वालिटी कैसी है, ये सब डिटेल ब्रीफ में एक मेल में उसको चली जानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, आपका मेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस है तो आप किसी को चेक करवा सकते हो जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है। मेल आपने डाल दिया, उसके बाद आप फ़ोन पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, फ़ोन पे बात कीजिए उनसे, उनको बोलिए कि हमने आपको मेल भेजा है, उसमें आपको पूरा डिटेल भी भेजा हुआ है और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, और ये कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमने ऑलरेडी आपको मेल पे भी भेजे, और ये प्रोडक्ट में हम लोग आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से ट्राई कीजिए उनसे कॉन्टेक्ट करने का। आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्डइन के मैसेजेस होते हैं, फेसबुक के मैसेज होते हैं, उसके थ्रू भी आप बात कर सकते हो। इसके अलावा स्काइप के थ्रू आप बात कर सकते हो, उसका एक बेसिक पैकेज आता है जिसमें आपको करीब 150 कंट्री तक वो लोग आपको कम्युनिकेशन की सुविधा देते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन मोड के थ्रू आप बहुत सारे कम्युनिकेशन मोड के थ्रू आप बायर से बात कर सकते हो इजीली। उसके बाद उनका मेल का रिप्लाई आएगा, नहीं तो फॉलोअप करना पड़ेगा एक दो बार, उसके बाद रिप्लाई आएगा। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझिए, उनकी वेबसाइट वगैरह चेक कर लीजिए कि वो कौन से प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। 10-15 बायर्स को आप कॉन्टेक्ट करोगे तो एक दो लोग पॉजिटिव होने ही वाले हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपको पूछेंगे आप क्या भेज सकते हैं, आप क्या सप्लाई कर सकते हैं, उसका ग्रेड क्या है, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो आपको देना पड़ेगा। एक बार ये सब प्रोसेस हो गया तो वहाँ से कुछ जेन्युइन आपके लिंक चालू हो जाएंगे, कुछ हॉट प्रोबेबल ऐसे होंगे जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनके कुछ डाउट्स क्वेरी होंगी वो आपको क्लियर करनी होगी, फिर वो आपको सैंपल मांगेंगे, आपको फिर सैंपल भेज देना है। सैंपल भेजने का पूरा एक अलग प्रोसेस है जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। एक बार आपने सैंपल भेज दिया, उसके बाद आप उसको फॉलोअप करोगे, उसके बाद उसका कोई क्वेश्चन क्वेरी है रिगार्डिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन उसको क्लियर कर दो, और उसकी मैचिंग करके प्रॉपर क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस वो सब मैच एक बार हो जाएगा, उसके बाद आपको नेगोशिएट करना होगा प्रॉपर कि कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे आपको उसको देनी है, किस तरह से मिलेगी, क्या पैकिंग रहेगा, किस तरह से आएगी, किस मोड से आएगी, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कहाँ तक का टर्म्स क्या रहेंगी, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगी, इनको टर्म्स क्या रहेंगी। ये पूरा सेट होने के बाद अब जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करके आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको बायर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखना है, जैसे लोकल में हम लोग करते हैं वैसा नहीं चलता है, प्रॉपर फॉलोअप रखना पड़ता है, प्रॉपर एक एक चीज़ का आंसर देना होता है, अपने पास FAQ की पूरा एक लिस्ट बना होना चाहिए अपने हर प्रोडक्ट के लिए कि कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर अपने को क्या देना है। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत बहुत ईजी है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, और जैसा मैंने आपको बताया हम अपने पूरे प्रोग्राम में ये सब सिखाने वाले हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर होती है। इस तरह से आप बायर्स फाइंड कर सकते हो अपने टारगेट कंट्री में, आप उन बायर से कम्युनिकेशन भी कर सकते हो और उनको उनके साथ मिलके काम कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है डॉक्यूमेंटेशन की, कोई भी प्रॉब्लम आती है टर्म्स सेट नहीं हो रही है, नेगोशिएशन प्राइस का सेट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की और भी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आती है, शिपिंग कैसे होगा, लॉजिस्टिक कैसे होगा, दोस्तों हमारा तो पूरा चैनल रेडी है ही, हम लोग नेटवर्क लेके बैठे हैं पूरे इतने सारे सिटीज़ में भी और कंट्रीज़ में भी, तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारे नेटवर्क के थ्रू भी काम कर सकते हो। आपके पास बायर नहीं है, हम आपको बायर दे सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट हैं, आप कोई सा भी ले लीजिए जो जाते हैं बाहर। आपके पास कंट्री का लिस्ट नहीं है कि कौन कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, वो हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे वो कंट्री में आप भेज सकते हो। तो A to Z पूरा सेटअप भी हम लोग आपको बना के दे सकते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, क्योंकि वो हमारा एक्सपर्टीज एरिया है और हम लोग पिछले कई सालों से उसमें काम कर रहे हैं। तो ये सब करने के बाद
आई डोंट थिंक कि आपको कोई रोक पाएगा एक्सपोर्टर बनने से, आपको आगे बढ़ने से, इंटरनेशनल मार्केट में जाने से, कोई आपको रोक नहीं पाएगा अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो. ओके, आज इतना ही. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपके बिजनेस को आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. ये आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है आगे चल के.